हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है देन प्लीज़ शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रेड यूनियन एक्ट। सो ये एक्ट इनएक्ट हुआ था, मतलब बना था 25 मार्च 1926 को, और एनफोर्स हुआ था ऑल ओवर द कंट्री। अप्लाई हुए थे इसके प्रोविजंस 1 जून 1927 को। ये दोनों के दोनों डेट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? दिस एक्ट वॉज इनएक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड टू डिफाइन द लॉ रिलेटेड टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी चीज़ों को, प्रोविजंस को बताता है। सेकंड चैप्टर में हम रजिस्ट्रेशंस ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर्स डिफाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन। फोर्थ चैप्टर मेंशंस द रेगुलेशंस रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन एंड द फिफ्थ वन इज फॉर द पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। आई होप ये आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, इसलिए मैं कभी कभी आपको चैप्टर्स के बारे में भी बता देती हूँ। सो लेट्स गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट फर्स्ट बिफोर वी प्रोसीड टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सो फर्स्ट कॉटन मिल, अच्छा ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से होके गुजरा है। ऐसा नहीं था कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तुरंत से ही हर चीज़ लॉ बन गया, हर चीज़ अच्छी हो गई। नहीं, बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं। जो भी अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड यूनियंस, वो प्रेजेंट सिचुएशन तक आने तक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखा है इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स ने। सो अगर हम बात करें, फर्स्ट कॉटन मिल जो बनी थी वो बनी थी इन द ईयर 1851, और कहाँ? बॉम्बे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, एक और बार हो भी चुके हैं। फर्स्ट कॉटन मिल 1851 बॉम्बे, फर्स्ट जूट मिल 1855 बंगाल, एंड दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम। बट मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम बनते ही बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसके अपने ड्रॉबैक्स थे, अपने ईविल्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या थे? अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो विमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे। लॉन्ग एक्सेसिव आवर्स ऑफ वर्क था, उनको ह्यूमनली ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, लैक ऑफ एजुकेशन थी। किसके लिए? जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अनएजुकेटेड थे मोस्टली। पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी जाती थी, एक्सेसिव डेथ रेट था, इसी सब की वजह से। और इन्हीं सब ईवल्स ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन बना बॉम्बे इन द ईयर 1875, और उसी के बाद फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया इन द ईयर 1881, एंड दिस अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। लार्ज नंबर ऑफ लेबर एसोसिएशन वर स्टार्टेड आफ्टर 1890 से बात करें, मतलब उसके बाद से जो लेबर एसोसिएशन है, मतलब यूनियंस है, वो बनना स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले जो यूनियन बनी वो क्या था? कामगार हित वर्ग सभा, जो कि 1910 में आई। देन प्रिंटर्स यूनियन कैलकटा में बनी 1905 में। अब ये सब जो है ना, ईयर वाइज आपको याद करने पड़ंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में स्ट्रेट अवे या तो ईयर वाइज जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाना आता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या स्ट्रेट अवे आपसे डायरेक्टली ईयर पूछ सकते हैं। तो ये सब जो ईयर हैं और जो उनसे एसोसिएटेड यूनियंस हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। यू हैव टू नोट देम डाउन। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1875 से लेके 1918 तक द यूनियंस एंड लेबर एसोसिएशंस मेनली रिलाइड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर गेटिंग ग्रीवेंस रिड्रेस।
रिड्रेस का मतलब होता है रिजॉल्व करना, जो भी ग्रीवेंसेस होते थे, जो भी मनमुटाव होते थे उनको सॉल्व करने के लिए 1875 से जो 1918 तक का पीरियड था, क्योंकि वो इतना डेवलप्ड पीरियड नहीं था, तो मोस्टली जो यूनियंस थी वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती थी, जो भी लॉ में दिया गया है बस उसके अंदर ही रिजॉल्व करते थे मैटर्स को. द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ दिस पीरियड वॉज द एब्सेंस ऑफ स्ट्राइक. तब स्ट्राइक्स इतना नहीं होता था, प्रेवलेंट नहीं था, उनको अपने राइट्स के बारे में ज़्यादातर पता नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्राइक्स पे निर्भर नहीं थे. स्ट्राइक्स ड्यूरिंग द पीरियड वर एक्सेप्शनल, मतलब बहुत रेगुलर नहीं थी, एक्सेप्शनल केसेस में होती थी. और यही पीरियड था जिस पीरियड को डॉक्टर पुनेकर ने सोशल वेलफेयर पीरियड की तरह बोला था ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट. द कॉन्सिक्वेंट डिस्ट्रेस ऑफ वर्कर्स हुज वेजेस वर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज जनरेटेड अ सीरीज ऑफ स्ट्राइक. और स्ट्राइक जो था, स्ट्राइक की कहीं ना कहीं वेव जो स्टार्ट हुआ कि फिर जो वर्कर्स थे उनको लगने लगा कि नाउ इट इज़ द टाइम, इट इज़ द हाई टाइम कि अब उनको अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, तब जाके वो उन्होंने स्ट्राइक्स का सहारा लिया. और वो कब से स्टार्ट हुआ, 1918 से 1919 के बीच में. The strikes of Buckingham and Carnatic Mills workers in Madras gave a fillip, मतलब boost, एक encouragement दिया in the trade union movement in South. Russian Revolution 1970 से 1923 के बीच में जब Russian Revolution हुआ, USSR बना, और ये सब जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट डाला, इन्होंने इम्पैक्ट डाला किसमें, इन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट. द लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन वर ऑर्गेनाइज इन द ईयर आफ्टर 1918 के बाद धीरे धीरे ट्रेड यूनियंस बनना स्टार्ट हुई, ट्रेड यूनियन इन एक्चुअल फॉर्म. और पहली ट्रेड यूनियन जिसको हम सही मायने में ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं वो बनी 1918 में, 1918 में, जिसको बोला गया द मद्रास लेबर यूनियन, जिनके प्रेसिडेंट थे बीपी वाडिया. उन्हीं की एफर्ट्स, उन्हीं की सैक्रिफाइसेस की वजह से मद्रास लेबर यूनियन केम इनटू फॉर्म इन द ईयर 1918. By 1920, a large number of unions were formed. The All India Trade Union Congress was established in 1920. सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी यूनियन है लेबर यूनियन जो थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में फॉर्म हुई थी, विच रिप्रेजेंटेड द वर्कर्स इंटरेस्ट इकोनॉमिकली सोशली एज वेल एज पॉलिटिकली वेर एवर एंड वेन एवर इट वॉज रिक्वायर्ड. एंड फाइनली द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 केम इनटू फोर्स, विच वॉज द लैंडमार्क एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट. आई होप आपको ये छोटा सा हिस्ट्री का पार्ट समझ में आया होगा. सी, ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट है, ट्रेड यूनियन का इवोल्यूशन, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है कि वर्ल्ड वाइड कैसे इवॉल्व हुआ ट्रेड यूनियन, कंट्री में हमारे इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ ट्रेड यूनियन. तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर, सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी. लेकिन क्योंकि हम ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा हिस्ट्री इस एक्ट की, ट्रेड यूनियंस की, जान लेनी बहुत ज़रूरी होती है. एंड दैट इज़ वाई मैंने ये हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन रखा. बट मैं हिस्ट्री जो है ट्रेड यूनियन का इवोल्यूशन है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी. आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा. नाउ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट. अभी जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, जो बना है, जो एनफोर्स हुआ था, उसके पीछे एम या ऑब्जेक्टिव क्या था. The Act was enacted with the object of providing for the registration of trade union, verification of the members of trade union register so that they may acquire a legal and corporate status. तो सबसे important जिसकी वजह से trade union बना,
वो क्या था कि ट्रेड यूनियन जो बनती है, जो ट्रेड यूनियंस फॉर्म होती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जब ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो वो एक लीगल और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगी, लीगल स्टेटस या कॉरपोरेट स्टेटस फॉर्म कर लेंगी। और जब वो लीगली लीगल स्टेटस फॉर्म कर लेंगी तो कहीं ना कहीं वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती हैं। आर्टिफिशियल पर्सन बनने का मतलब है कि जो नेचुरल पर्सन हैं, मतलब हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, वही सेम इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ उस आर्टिफिशियल पर्सन की भी होती है। तो यानी उन ट्रेड यूनियंस की भी होगी जो कि रजिस्टर्ड हो जाएंगी। तो ट्रेड यूनियन एक्ट को आने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन हो सके, उनको एक लीगल स्टेटस मिल सके। And apart from this, apart from the necessary provisions of administration and penalties, the other objectives were the conditions governing the registration of trade union. अगर trade union register हो चुकी है तो कौन कौन से elements होंगे, कौन कौन सी conditions हैं, कौन कौन से regulations उन पर लगेंगे, उनके obligations क्या है registered trade union के, registered trade union की liabilities and rights क्या है, तो ये सब चीज़ें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चैप्टर वाइज प्रोविजंस को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चैप्टर वन प्रीलिमिनरी। सेक्शन वन एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरी की पूरी इंडिया में ये इसके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ओमिटेड बाई द अमेंडमेंट इन द ईयर 1970। तो 1970 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में इसके प्रोविजन्स नहीं लगते थे, बट आफ्टरवर्ड्स 1970 में ये एक्ट अमेंड हुआ और इस अमेंडमेंट के बाद एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया, ये पूरे फ्रेज को। इट मीन्स कि अब जम्मू एंड कश्मीर में भी इस एक्ट के प्रोविजन्स लगेंगे। ऑल दो अभी जो नए कोड्स आए हैं उसमें कुछ प्रोविजंस और एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंट में भी कुछ चेंजेस हुए हों, अभी जब मैं वीडियोस लाऊंगी उस पर तब हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं उन पर्टिकुलर कोड्स में व्हेन इट कम्स टू ट्रेड यूनियन एक्ट। द वर्ड इंडियन ओमिटेड बाय एक्ट ऑफ 1964। इसका मतलब है कि इस जो जब ये एक्ट बना था तो इसको बोला जाता था द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, लेकिन 1965 में इस एक्ट में से ये जो वर्ड है, ये टाइटल जो ट्रेड यूनियन एक्ट का जो टाइटल है उसमें से जो इंडियन वर्ड है उसको हटा दिया गया और नाउ अब हम इसको ट्रेड यूनियन एक्ट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेक्शन टू डेफिनेशंस। इन द एक्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिलेशन टू द ट्रेड यूनियंस हुज ऑब्जेक्ट आर नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट। ऐसी ट्रेड यूनियंस जो एक से ज़्यादा स्टेट में एक्टिव हों, उन ट्रेड यूनियंस के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और वो ट्रेड यूनियंस जो केवल एक ही स्टेट में वर्क करती हैं, एक ही स्टेट में एक्टिव हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट जिस स्टेट में वो एक्टिव हैं उस स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी वो उन ट्रेड यूनियंस के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। ट्रेड यूनियन है तो उसमें ऑफिस भी होगा, तो उस ऑफिस में जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव्स उनको ऑफिस बेयरर्स बोला गया है, बट इसमें ऑडिटर को इंक्लूड नहीं किया गया है। रजिस्ट्रार कौन होता है? अ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय सेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्शन 3 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन भी आ जाता है। अगर कोई ट्रेड यूनियन मतलब इन रिलेशन टू एनी ट्रेड यूनियन द रजिस्ट्रार अपॉइंटेड फॉर द स्टेट, मतलब अगर कोई ट्रेड यूनियन है जिसका किसी पर्टिकुलर स्टेट में हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो रजिस्ट्रार अपॉइंटेड होगा वो भी उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रार होगा, इसमें ये बोला गया है। एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है? ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, मतलब एक एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में जो डिस्प्यूट है
उसको भी ट्रेड डिस्प्यूट बोला गया है। वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको भी ट्रेड डिस्प्यूट बोला गया है, और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको भी ट्रेड डिस्प्यूट बोला गया है। अब वो डिस्प्यूट किस चीज़ से कनेक्टेड है? कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब हायरिंग, जब आप अपॉइंट कर रहे हो किसी को, ऐसे में इस सिचुएशन में अपॉइंटमेंट की सिचुएशन में अगर डिस्प्यूट अराइज होता है वो भी ट्रेड डिस्प्यूट है। किसी को टर्मिनेशन हो रहा है, किसी को जॉब से निकाला जा रहा है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है वो भी ट्रेड डिस्प्यूट होगा। एंड इन दोनों के अलावा जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे वेजेस, सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, इन सब से रिलेटेड भी अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी ट्रेड डिस्प्यूट की कैटेगरी में आता है। Of any person or workman means all person employed in the trade union or NERC, whether or not in the employment of the employer with whom trade dispute arises. तो आई होप आपको ट्रेड डिस्प्यूट समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इट मीन्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशंस ऑफ एनी पर्सन। एंड वर्कमैन मीन्स ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द ट्रेड और इंडस्ट्री वेदर और नॉट एम्प्लॉयमेंट whether or not in the employment of the employer। मतलब जिस भी worker से related ये trade dispute है, वो ज़रूरी नहीं है directly किसी employer के relation में काम करता हो, किसी contractor के through भी वो काम कर सकता है, but वो भी उससे related भी जो भी dispute होगा वो भी trade dispute के category में शामिल होगा। I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ट्रेड यूनियन क्या होती है इसको पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियन एक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरली और परमानेंट formed primarily for the purpose of regulating the relation between workmen and employers। workmen and employers के बीच में जो relations हैं उनको regulate करने के लिए अगर कोई group of members, चाहे वो temporarily आ रहे हों एक साथ या permanently form कर रहे हों एक group, और किसके लिए? In order to regulate the relations between whom? workmen and employer, workmen and workmen, and employers and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of trade or business। जिस business, जिस particular trade के लिए वो union बन रही है उस trade और उस business की जो conditions है, terms and conditions, उसको regulate करना, restrict करना, employer और employer के बीच में जो relations है उनको regulate करना, worker और workers के बीच में जो relations है उनको regulate करना, employers and workers के बीच में जो relations है उनको regulate करने के लिए जो भी group of members एक साथ आके एक union बना रहे हैं, चाहे वो temporarily हो या permanent हो, उसको हम क्या बोलेंगे? trade union बोलेंगे। और इस group में federation, एक से ज़्यादा trade unions अगर साथ में आएंगी तो वो भी क्या हो जाएगी? ट्रेड यूनियन ही होगी। अब फेडरेशन का मतलब होता है जब छोटी छोटी ट्रेड यूनियंस मिल के जब एक बड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं तो उसको फेडरेशन बोलते हैं। प्रोवाइडेड दैट दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट एनी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस, एनी अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड बाय हिम, एनी अग्रीमेंट इन कंसिडरेशन और सेल ऑफ गुडविल। और इस जो कॉम्बिनेशन अभी बना है जिसको हमने ट्रेड यूनियन कहा है, वो जो ट्रेड यूनियन बनी है उस ट्रेड यूनियन के बनने के का मतलब ये नहीं है अगर पहले से एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में कोई लॉ है, कोई अग्रीमेंट हुआ है, तो वो अग्रीमेंट, ये जो फॉर्म्ड ट्रेड यूनियन है इनके जो अग्रीमेंट्स हैं उससे क्लैश नहीं करेंगे, उसको कहीं ना कहीं हटाएंगे नहीं, दोनों साथ बा साथ पैरेलल फॉर्म में चलते रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस ट्रेड यूनियन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश अग्रीमेंट्स है बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स उनके जो अग्रीमेंट्स है उसके ऊपर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट वन। आई विल बी बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्ट सून। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।